हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 7.2 एक्सरसाइज के बाकी बचे क्वेश्चंस करते हैं। इनमें पहला क्वेश्चन है 31st क्वेश्चन। इसमें करना ये है, देखो इंटीग्रेट करना है साइन एक्स डी एक्स अपॉन 1+ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, ये अपन को इंटीग्रेट करना है, राइट। तो इसमें मान लेना, लेट 1+ कॉस एक्स को टी मान लेना, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स मीन्स साइन एक्स डी एक्स इज डी टी माइनस डी टी, ये सब पुट कर दोगे माइनस डी टी अपॉन टी स्क्वेयर और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस टी की पावर -2 डी टी, जो कि फाइनल आंसर आएगा टी की पावर -1 -1। एक पावर जुड़ जाती है ना, +1 कर दोगे तो ये आ जाएगा 1/t और सी लगा देते हैं हमेशा। टी कितना था, 1+cos x + c, ये इसका आंसर होगा, राइट। इसको नोट कर लो। इस प्रॉब्लम से थोड़ी मेथड चेंज होगी, ये थोड़ा सा बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव बनाना पड़ता है। कॉट एक्स को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स जैसे ट्रिग्नोमेट्री करते हैं उस तरह लिख दिया, साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये इसका एलसीएम है। एलसीएम लेकर के अपन ने ये टर्म लाया। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, यहाँ से थोड़ा नई चीज़ है, रीज़न आगे समझ में आएगा क्यों कर रहे हैं। जो अपन ने 2 साइन एक्स लिखा है मल्टीप्लाई डिवाइड करके, तो इसमें इस साइन एक्स को 2 बार लिख दो। अब हम चाह रहे हैं कि ऊपर साइन प्लस कॉस एक्स हो जाए, तो इसके लिए हमको एक कॉस एक्स जोड़ना पड़ेगा और एक कॉस एक्स घटाना पड़ेगा। अब करना ये है कि इसमें दिस अपॉन दिस करना है, मतलब साइंस प्लस कॉस एक्स अपन साइंस प्लस कॉस एक्स 1 आ गया। और ऐसे इसको ड्राई करना, ये स्टेप देखो आ गया होगा समझ में। अगर ये आ गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद का स्टेप क्या है, इसको अलग अलग इंटीग्रेट करना है, 1 dx अलग और इसका डेरिवेटिव ऊपर, इसका डेरिवेटिव ऊपर है साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का साइन एक्स। थोड़ा सा जमा लेते अपन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कर लो, dx अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज टी, कॉस एक्स इसका साइन एक्स, तो कुल मिला के कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा 1/2 1 dx अलग डी टी अपॉन टी अलग, राइट। log t, t क्या था, साइन प्लस कॉस एक्स, ये आंसर। ठीक है, नोट कर लो इसको। ये प्रॉब्लम की तरह ही है, इसमें भी 1 साइन एक्स पर कॉस एक्स लिख दो, ऐसे ले लो। इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि डेरिवेटिव बना सकें अपन ऊपर। दो बार कॉस एक्स लिख दो, कहीं डाउट हो तो हमसे डिस्कस कर लेना।
अब हमें क्या चाहिए ऊपर, साइन एक्स माइनस में चाहिए, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कर लो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कर लो, ऐड कर दिया सेपरेट कर दिया किसको, साइन एक्स को। इसके बाद क्या है कि अलग अलग करना है अपन को, कॉस एक्स साइन एक्स अपन दिस वन, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स इसको टी मान लो, पुट कर दो, राइट। ये तो हो चुका ना इंटीग्रेशन, यहाँ डी टी अपॉन टी, इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन है रूट टेंस अपॉन साइंस प्लस साइंस इंटू कॉस एक्स। तो अपन ये कोशिश कर रहे हैं कि ऊपर सेक स्क्वायर एक्स आ जाए ताकि हम टेंस को टी ले सकें, तो अपन कॉस एक्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाह रहे हैं, इससे एक साथ दो काम होंगे, ये टेन बन जाएगा और ये सेक स्क्वायर एक्स, रूट टेन एक्स, इस टेन एक्स को रूट टेन एक्स दुआ लिख दो, ये कट गया, टेन एक्स को टी मान लो, तो फाइनली आ जाएगा टू रोटी, ठीक है रख देना, आ जाएगा आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन ये है कि वन प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, तो इसमें क्या करूँ, वन प्लस लॉग एक्स का टी मान लो, ऐसा करने से क्या है डी टी बन गया। फायदा ये कि डी एक्स और एक्स मिलके डी टी बन जाएंगे टी स्क्वायर, ये आंसर, ठीक। इसको ही नोट कर लो। 36 क्वेश्चन नंबर ये है कि x log x होल स्क्वायर अपॉन x और इंटू एक्स प्लस वन, इसको t मान लेंगे, x प्लस log x को t मानने का रीजन समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को कि जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको t लो, राइट। कहीं ना कहीं देखो आ गया ना अपने लिए, तो डेरिवेटिव आ गया ना यहाँ पे, ये पूरा मिलकर डी टी बन जाएगा, कहीं ना कहीं दिया रहता है और नहीं रहता थोड़ा जमाना पड़ता है।
सर, इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करना है। टेन एक्स फोर को टी मान लेना, इसको डिफरेंशिएट करना चेन रूल से। वन प्लस एक्स एट हो गया, तो एक्स क्यू डी एक्स फोर। अब इसको पुट कर लो, ये पूरा साइन टी, ये देखो ये पूरी चीज क्या होगी, इसको ये मिला के और ये मिला के डी टी वाई फोर हो गया, है ना, साइन टी। तो साइन टी का माइनस कॉस टी होता है ना, ठीक है। टेरस एक्स फोर राइट, इसको इग्नोर कर लो। ये ऑब्जेक्शन है 38, इसमें डेल्टा को टी मान लो, जिसका आएगा टेन एक्स नाइन ठीक है। ठीक, इसको भी नोट कर लो। इसके बाद है साइन फिर एक्स कॉस फिर एक्स, ये भी ऑब्जेक्टिव है। अभी तरह से साइन फिर एक्स प्लस कॉस फिर एक्स जो कि वन होता है पुट कर देंगे, इससे फायदा ही होगा। इसमें डिवाइड करोगे तो जाएगा वन अपान कॉस कर, इसमें डिवाइड करोगे तो वन अपान साइन स्क्वायर एक्स राइट। तो ये हो गया तुम्हारे पास साइक स्क्वायर एक्स कॉस एक स्क्वायर एक्स टी एक्स राइट, इसको टेन एक्स माइनस कॉट एक्स कर देना, इसका आंसर बी आ गया। ठीक, इस तरह से तो ये 7.2 कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पीरियड से अपन एक लाइन से एक ही प्रॉब्लम करेंगे 7.3 का, और इसी तरह से आप फिजिक्स का भी वीडियो बनाएंगे। अपना कॉन्सेप्ट ये है कि एक लाइन से करने से क्या है कि रेगुलरिटी रहती है स्टूडेंट और टीचर दोनों के बीच में, और प्रॉब्लम सक्सेसफुली सिस्टमेटिकली सारी करो तो प्रॉब्लम बनने भी लगते हैं। तो पहले एनसीईआरटी की एक एक करके सॉल्यूशन लाते हैं, फिर आर डी शर्मा की करेंगे। ओके।